काल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र और राहु। शुक्र राहु क्या है? औलाद का फल मंदा, पत्नी की सेहत मंदी, धन का फल मंदा, हर तरह से बुरे फल होते हैं। शुक्र और राहु जिस जातक की जन्म कुंडली पे लगन पर खाना नंबर एक में होगा, ऐसे जातक को कितने ही तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, खास करके अगर लड़की की कुंडली में हो तो फिर जीवन को कैसे चलाना है। लाल किताब के बहुत से उपाय हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क अवश्य करें, फिर वो जीवन को आपकी उपायों के माध्यम से कुछ बदला जा सकता है। किस्मत में लिखा हुआ वो टलता नहीं, ग्रह फल भी टलता नहीं, राशि फल को टाल दिया जाता है। जब कुंडली के अंदर ग्रह फल के ग्रह होंगे तो उनको टालना इंसानी बस की बात नहीं है, लेकिन जब राशि फल के होंगे तो इनके उपायों से हमें मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। लाल किताब जी इस तरह के नियम बताती है, बहुत से उपाय हैं। इसी तरह से खाना नंबर दो, राहु और शुक्र यहां पर भी धन की कमी देंगे, पिता की सेहत मंदी करेंगे, और शुक्र धन के लिए अच्छा रहेगा पर फिर भी धन आएगा चला जाएगा, धन आएगा चला जाएगा, धन कभी टिकेगा नहीं। इसके लिए भी उपाय बहुत जरूरी हैं, क्योंकि खाना नंबर दो धन ठहरने का है। खाना नंबर दो पहाड़ है, किस्मत के बादल खाना नंबर नौ से उठते हैं, वो बादल टकराते हैं जाकर खाना नंबर दो पर, फिर वहां से बरसात होती है। वो बरसात इकट्ठी होनी है या पानी चले जाएगा, उसके लिए भी उपायों की बहुत जरूरत होगी। और ऐसे जातक को सरल सा उपाय है कि माथे पर केसर का तिलक लगाए और कुत्तों की सेवा करे, अपने शरीर पर या कानों में स्वर्ण धारण करे प्योर, तो कुछ लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर तीन, यहाँ पर राहु उच्च का है, अब शुक्र का फल नेक हो जाएगा। केतु भी उच्च का है, ऐसा जातक कहा गया है कि 1,25,000 कि एक ही आदमी 1,25,000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता है। जिस तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी 1,25,000 लोगों से लड़कर अपनी विजय पताका लहराते रहे, दुश्मनों का नाश करते रहे और उनसे लड़ते रहे, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी से कहा गया है। 1,25,000 से एक ही इंसान लड़ने के काबिल होता है। इसी तरह से खाना नंबर चार, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर चार में राहु और शुक्र होगा, यहां पर भी शुक्र का फल बुरा होगा, यानी कि पत्नी का फल, और धन की भी कमी होगी। ऐसे जातक को जब कभी अपना मकान बनाना हो, किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क अवश्य करें, वो बताएंगे कि आपको मकान का फल अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरल सा एक उपाय है इसमें भी, 400 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह कर दिया जाए बहते हुए पानी में किसी नदी या दरिया में, और एक घर के अंदर चांदी की गड़बी या चांदी की डिब्बी गोल हो, उसमें शहद रख लिया जाए तो कुछ राहत प्राप्त हो जाएगी, कुछ कारोबार चल पड़ेगा।
उस धन की कमी दूर होती चली जाएगी। और लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से अवश्य संपर्क करें, और कहीं कमी रह जाए पूछने की तो हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, और अब नए बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। जो लाल किताब के शौकीन इच्छुक उनके लिए खुशखबरी है कि न्यू बैचेस नई क्लासें शुरू हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं और नई भी शुरू हो रही हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 4 नेक फल देगा जब साबुत धनिया लेकर जल प्रवाह किया जाएगा। और बहुत से उपाय हैं, संपर्क करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। समय का अभाव है, इतने ज़्यादा उपाय नहीं बता सकते। समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।